हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल ह्यूमन बॉस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने मोबाइल का पैटर्न किस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा पैटर्न हम भूल जाते हैं और फिर हमें रीस्टोर करना पड़ता है। फ़ोन रीस्टोर भी हम पे नहीं होता है, वो भी दुकान पे जाना पड़ता है। दुकान पे जाके वो अपने ये कहता है कि हमें अगर आप इसको पैटर्न को तोड़वाना चाहते हैं तो 150 रुपये लगेंगे, और अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं, इसको मतलब कि आप अपना डाटा सेव रखना चाहते हैं, तो उसके लिए 250 या 300 रुपये आपसे ले लेते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक एक चीज़ बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग भले हो जाएगा, लेकिन आपको एक तरह से 100 वीडियो को निचोड़ मिल जाएगा, क्योंकि कई बार होता है हम 100 वीडियो देख लेते हैं, हमें 10 वीडियो ऐसी मिलती हैं जो सही तरीके से वर्क करती हैं, लेकिन 90 वीडियो बेकार रहती हैं। आज की इस वीडियो में मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल कैसे करते हैं, और ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे होगा, USB ड्राइवर कैसे इंस्टॉल होगा, सब चीज़ बताऊंगा। आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। इस वीडियो का लाइक मैं रखता हूँ 500, ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब सबसे पहले मैं इस एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। इस एप्लीकेशन का नाम है Miracle Box 2.82। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो को, इसका जो एप्लीकेशन है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 2 एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, एक तो ये वाली एप्लीकेशन मेडिकल बॉक्स का, और दूसरा ये ड्राइवर। अब यहाँ पे बात आती है, इस एप्लीकेशन को जब ओपन करते हैं स्टार्ट का बटन गड्ढे में आता है। मैं कनेक्ट के बटन पे भी क्लिक करता हूँ तो ये स्टार्ट का बटन जो है दबा हुआ रहता है। कनेक्ट का बटन मतलब रिफ्रेश करने के लिए होता है ये स्टार्ट का बटन अगर आपका दबा हुआ हो तो आपको इसको टाइम चेंज कर देना है। इसका जो टाइम है वो आपको चेंज कर देना, प्रेजेंट टाइम जो चल रहा हो लैपटॉप में, ठीक है फ्रेंड्स, या कंप्यूटर में, तो आपको इसमें चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग में जाके इसको 2019 से पहले की साल आप इसमें लगा दीजिए। जब आप 2019 से पहले की साल इसमें लगा देंगे तो आपका जो है ये स्टार्ट बटन सही तरीके से वर्क करने लगेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर 2022 यहाँ पर चल रहा है, और मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ 2018, ठीक है फ्रेंड, मैं यहाँ पे 2018 के कोई सा भी महीना, कोई सा भी दिन यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे ओके के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करूँगा तो उसके बाद भी यहाँ पे नहीं आया, लेकिन हमें रिफ्रेश करना है इसको कनेक्ट बटन को। कनेक्ट के बटन पे यहाँ पे क्लिक करूँगे तो आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं स्टार्ट का बटन यहाँ पे आ चुका है। बहुत से जो है डायरेक्ट आपको वीडियो दिखा देते हैं, वो उसमें भी आपको परेशानी आती, आप इसमें रिसर्च करते और भी आपका टाइम वेस्ट होता है, लेकिन आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको एक एक चीज़ की सही तरीके से नॉलेज मिल जाएगी। अब बात करते हैं उसके बाद जैसे कनेक्ट का बटन आ जाए अब हमें क्या करना है। जैसे अब आपको दिखा देता हूँ, मैं अपना यहाँ पे फ़ोन दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरा पैटर्न लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें पता नहीं है कि हमें पैटर्न कौन सा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, हमारा पैटर्न लॉक लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। हम खोलने की बहुत बार प्रयास करते हैं लेकिन वो खुल नहीं पाता है, और हम दुकान पर जाते हैं और दुकान वाले को फालतू में जो हमें नॉलेज नहीं रहती तभी हम पैसे दे के आते हैं। अगर हम पे नॉलेज होगी, क्योंकि बहुत से पर लैपटॉप भी है सब चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग की वजह से हमें नॉलेज नहीं होती, तो इसी वजह से हमें पैसे देने पड़ते हैं। आप पैसे नहीं देंगे, आप खुद ही करेंगे इसको सही, ठीक है फ्रेंड। जैसे आप देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ, अब यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। आपको इसको ड्राइवर को इंस्टॉल कैसे करना है ये भी मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स, एंड में बताऊंगा कि ड्राइवर को इंस्टॉल कैसे करना है, आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। आपको बैटरी निकाल के यहाँ पे सिंपली, इस समय मेरा ड्राइवर इंस्टॉल है, आपको सिंपली यहाँ पर मैं दिखाता हूँ पैटर्न किस तरीके से देखते हैं। सिंपली यहाँ पे बैटरी निकाल देना है फ़ोन की, और आपको यहाँ पे USB पे कनेक्ट कर देना है। जैसे ही आप USB कनेक्ट करेंगे कि दो कंडीशन होती हैं, किसी फ़ोनों में कनेक्ट करने के बाद आपको नीचे ये वाला जो ऊपर का बटन है ये वाला आपको प्रेस करना होता है, ऊपर वाला जो वॉल्यूम आपका है दबाए रहो उसको, उसके बाद आपका इंस्टॉलेशन ड्राइवर इस टाइप से आ जाता है बहुत से फ़ोनों में। लेकिन ये वाला फ़ोन में ऐसी कंडीशन है कि आपको बैटरी लगाने के बाद ऊपर वाले को दबाए रहो तो आपका इंस्टॉलेशन जो ड्राइवर है वो सही तरीके से वर्क करता है। मैं यहाँ पर बैटरी को लगा लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बैटरी को लगा, पहले बटन को दबाए रहो और बैटरी को एक साथ अटैच कर दो उसमें, तो आपका यहाँ पर कुछ देर रुकिए यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉलेशन हो जाएगा। दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दिए, ठीक है फ्रेंड्स, बिना बैटरी के भी हो जाता है किसी किसी फ़ोन में, किसी किसी फ़ोन में बैटरी सहित होता है। देख सकते हैं योर डिवाइस इज रेडी टू यूज़, यानी कि ये USB ड्राइवर जो है यहाँ पे सक्सेसफुली वर्क कर दिया है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये USB मेरा यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, ये देख सकते हैं कनेक्ट हमारा हो ही चुका है। अब आपको यहाँ पे अपने कंप्यूटर वाले जो कंप्यूटर में आना है ऊपर की साइड देख सकते हैं अनलॉक फिक्स विंग नाम का ये वाला ऑप्शन ही दिखेगा आपको, ऊपर दिख रहा होगा। अनलॉक फिक्स पे जाके आपको रीड पैटर्न वाले जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रीड पैटर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
उसके बाद नीचे स्टार्ट बटन जो ऑप्शन है हमारा वो यहाँ पे आ जाएगा। स्टार्ट बटन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख रहा है नीचे सबसे नीचे वेटिंग फॉर यूएसबी पोर्ट, उस वेटिंग फॉर यूएसबी पोर्ट लिख रहा है, तो हमें दोबारा से इसको निकाल के डाटा केबल को निकाल के दोबारा से इसको लगा देना है। जैसे ही आप इसको लगा देंगे, लगाए इसको हटाना नहीं है, आपका यूएसबी हिलना नहीं चाहिए इसमें, ठीक है फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखिए। जैसे ही आप मैं लगा देता हूँ तो मेरा यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाता है, आप देख पा रहे होंगे जो डाटा इसका है इस कंप्यूटर में ले रहा है कि इसमें पैटर्न कौन सा है वो ये जानने का हमने कमांड इसमें दी है, और ये यहाँ पे सही तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है, देख सकते हैं बींग एनालिसिस डाटा, कुछ देर भी लग सकता है बींग एनालिसिस डाटा होने में, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बींग एनालिसिस डाटा होने में कुछ टाइम भी लग सकता है। जैसे ही आपका यहाँ पे डाटा आ जाएगा उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कोड आया है, ये 3214789, यानी कि ये कोड है जो आपके जो डॉट 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 होते हैं, यानी कि वन पहला डॉट होता है वो वन है और जो सेकंड डॉट है वो टू है, मैं आपको दिखाऊंगा, देख सकते हैं 3 2 1 ये जो आपका जो पासवर्ड है वो किस तरीके से वर्क करेगा। अब मैं निकाल के, अब मुझे पता पड़ गया है कि मेरा पैटर्न क्या है, अब मैं इसको बैटरी को निकाल के और दोबारा से डालता हूँ और अपना यहाँ पर स्विच ऑन करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे पैटर्न पता पड़ गया 3 2 1 4 7 8 9, ये मेरा जो ये पासवर्ड है, पासवर्ड को ही पैटर्न बनाना है। अब किस तरीके से यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, देख सकते हैं मेरा जो पासवर्ड था वो मुझे पता पड़ गया, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 जो 3 डॉट है मैं 3 पे क्लिक करता हूँ, 3 2 1, यहाँ पे पहला मेरा 3 है, फिर 2, फिर 1, फिर 4, फिर 7, फिर 8, फिर 9। आप इस तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप सामने देख के उसको पैटर्न को यहाँ पे इस तरीके से आराम से खोल सकते हैं आप अपने फ़ोन को। देख सकते हैं मेरा सिंपली यहाँ पे विदाउट डाटा लॉस यहाँ पे खुल चुका है, इसी तरीके से ये फ़ोन वाले करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि देख सकते हैं यही वाला कोड था, यहाँ पे जो कोड होता है वो दिख जाता है यहाँ पे, जो आप इस डिस्प्ले में नीचे की साइड देख पा रहे होंगे, उसने डाटा एनालिसिस कर दिया और आपको कोड को यहाँ पे सिंपली दिखा दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको यहाँ पे सिंपली आपको क्लोज कर देना, क्लोज करने के बाद अब मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, यहाँ पे ये यूएसबी का ड्राइवर होता है, अब इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। एक ही वीडियो में इतनी सारी बातें बहुत से लोग नहीं बता रहे, डायरेक्ट आपको पैटर्न रीड करके दिखाए थे और आप फिर दूसरी वीडियो देखते, तीसरी वीडियो देखते, उसमें कोई फ़ायदा नहीं रहता, इसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फोल्डर यहाँ पे बन जाएगा MT65 करके, उसके बाद जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इंस्टॉल ड्राइवर, यानी कि आपको इसको यूएसबी ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, आप इस पर डबल क्लिक करिए तो रन एड एडमिनिस्ट्रेटर ये वाला ऑप्शन आएगा, उसके बाद इंस्टॉल दिस ड्राइवर सॉफ्टवेयर एनीवे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, तो आपका कुछ टाइम लोडिंग लेगा ये, ठीक है फ्रेंड्स, यूएसबी ड्राइवर इस टाइप से लोडिंग लेगा, लोडिंग होने के बाद आपका ये वाला इस टाइप से सक्सेसफुली ये आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इंस्टॉल ड्राइवर सक्सेसफुली। अभी सॉफ्टवेयर सही तरीके से इंस्टॉल नहीं हुआ है, ये मैं बता दूं आपको, अभी सॉफ्टवेयर सही तरीके से इंस्टॉल नहीं हुआ है, उसको भी इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे ऊपर माई कंप्यूटर में जाना है, माई कंप्यूटर में जाने के बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपको मैनेज वाला ऑप्शन दिखेगा, मैनेज पे जाना है, ठीक है फ्रेंड्स, मैनेज पे जाने के बाद नीचे आएगा एक डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे डिवाइस मैनेजर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं मेरा तो ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है, लेकिन आपका इंस्टॉल नहीं होगा, एक ऑप्शन होगा अननोन डिवाइस करके, ठीक है फ्रेंड्स, अननोन डिवाइस करके एक ऑप्शन होगा, आपको इस पर सिंपली टैप कर देना है और ऊपर एक्शन का बटन जो होगा ना ऊपर की साइड फाइल के बराबर में ऊपर का एक्शन का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐड लेगेसी हार्डवेयर ये वाला एक ऑप्शन होगा, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ऐड लेगेसी हार्डवेयर होगा और यहाँ पे सिंपली आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। नीचे की साइड एक ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल द हार्डवेयर डेट आई मैनुअली, मतलब हमें मैनुअली करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। इसमें आपके बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, आपको यहाँ पे वो वाला ऑप्शन चूज करना है जो मैं आपको बताता हूँ, एक पोर्ट नाम का देख सकते हैं पोर्ट कॉम एंड LPT ये वाला पोर्ट्स है ना, क्योंकि USB पोर्ट्स हमें इंस्टॉल करने हैं, तो हमें पोर्ट्स वाला ये वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे मीडिया टेक वाला ये वाला, आप नीचे की साइड स्क्रॉल करेंगे इसको तो आपको मीडिया टेक वाला ये वाला ऑप्शन दिख जाएगा,
मीडिया टेक वाला ही वाला ऑप्शन दिख जाएगा। मीडिया टेक का ऑप्शन दिखने के बाद आप प्री लोडर यूएसबी वीकॉम ये वाला जो प्री लोडर वीकॉम यूएसबी वाला इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करके ये सिलेक्ट हो जाएगा और आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है और दोबारा से नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं मेरा ड्राइवर यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका जैसे ही सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा और आपका यहाँ पे पोर्ट यहाँ पे जो आपका बन रखा है वो आपका बन जाएगा। मेरा ऑलरेडी था, मैंने आपको इंस्टॉल करके दिखाया है इसलिए एक और बन गया। मैं इसको यहाँ पे अनइंस्टॉल करता हूँ जो एक्स्ट्रा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसको डिलीट करके यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देता हूँ। ये मेरा देख सकते हैं यहाँ पे अनइंस्टॉल हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप यहाँ पे आप अपना जो रीड पैटर्न है वो कर सकते हैं। आप इससे बहुत रुपए बचा सकते हैं क्योंकि एक बार के वो 300 रुपये लेता है। आपके घर में ज़रूरत पड़ जाती होगी। एक बात की और बताऊंगा, ये जो वर्क होता है ये आपके जो 5.0 जो वर्ज़न होता है एंड्रॉयड का उस वहाँ तक ही कर पाता है, उससे ऊपर के नहीं कर पाता। ज़्यादा से ज़्यादा 6.0 तक ये वर्क कर देगा, उसके बाद जो ऊपर के वर्ज़न है जो 10 तक वर्ज़न है उनमें ये वर्क नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस, मैं एक चीज़ की और बताना चाहता हूँ, जिन लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है और वो चाहते हैं कि हम मोबाइल में भी टाइपिंग कर सकें, हमारे पास एक कीबोर्ड है उस कीबोर्ड के माध्यम से ही हम मोबाइल में भी टाइपिंग कर सकें, वही टाइपिंग मास्टर जो आप पीसी में यूज़ करते हैं वही टाइपिंग मास्टर हम मोबाइल में किस तरीके से चला सकें उसको अगर जानना चाहते हैं ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और एंड स्क्रीन में भी मैं उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं।